नमस्कार, मैथिली न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा किसली में एसडीएम अशोक प्रताप सिंह ने बार्डो में घर घर जाकर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की पात्रता की सूची की जांच की, जिसमें चेयरमैन की पत्नी के साथ कई रईसों के नाम जुड़े मिले, जिससे वहां हड़कंप मच गया। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक्की ये रिपोर्ट। नगर पंचायत में डूडा विभाग द्वारा बनवाई जा रहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की पात्रता सूची में जमकर धांधली की गई है। योजना का लाभ दिलाने के लिए जमकर रुपए का लेन देन किया गया है, जिसकी शिकायत होने के बाद पिछले दिनों आधा दर्जन लोगों ने के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। 4 सैकड़ा आवासों की पात्रता सूची को जांच एसडीएम को दी गई है। बुधवार को एसडीएम ने नगर पंचायत में सदर बाजार हवेली के कानून गो मयंक गोयल लेखपाल राजेश साक्य के साथ पात्रता सूची की स्थलीय जाँच की। आवास में सूची में चेयरमैन अनिल मिश्रा की पत्नी डेजी को 2 मंजिला मकान व वाहन स्वामियों के नाम पर भी शामिल हैं। एसडीएम अशोक प्रताप सिंह ने जांच में आवास होने के बावजूद सूची में नाम होने पर ऐसे लोगों को अपात्र पाया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पात्रता सूची में शामिल अधिकांश लोग अपात्र ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी।